All that glitter is not gold. ये कहावत तो आपने आज से पहले सुनी भी होगी, लेकिन हम आज इसमें एक चेंज कर देते हैं. All that glitters is not Bitcoin. मुझे लगता है फ्यूचर में लोग कहावत में गोल्ड को बिटकॉइन से रिप्लेस कर देंगे. कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन के अंदर जो पंप है, जो उसके अंदर जो इतनी एक्साइटमेंट है, वो बहुत सारी खबरें कुछ रीसेंट पास्ट में आई हैं जिसकी वजह से वो पंप, जाहिर सी बात है, इतनी सारी बैक टू बैक न्यूज़ आएंगी तो पंप तो होना तो जाहिर है. लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी खबरों के बीच में हमने ये भी अंदाज़ा लगाया, ये भी हमने एनालिसिस किया कि सारी खबरें सच नहीं हैं. क्या सारी खबरें ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और जैसे उन्हें परसीव किया जा रहा है या जैसे उन्हें दिखाया जा रहा है, तो उनके पीछे की सच्चाई क्या है, उनके पीछे के फैक्ट्स क्या है, क्या एक्चुअली में वो खबर बिल्कुल ठीक है. हमने कुछ ऐसी एनालिसिस करी. तो सबसे पहले तो हमने जनता से ही जानने की कोशिश करी. हमारा ट्विटर हैंडल है जिसमें हमने अभी रिसेंटली 10,000 से ऊपर फॉलोअर्स को क्रॉस किया, तो हमारी कम्युनिटी ट्विटर पे भी 10,000 से ज़्यादा की हो गई है. हमने वहाँ एक पोल चलाया, हमने लोगों से ही पूछा कि आप ही बताइए कि बिटकॉइन का पंप या बिटकॉइन में इतनी एक्साइटमेंट क्यों है. हमने वहाँ 4 ऑप्शन दिए. हमने बोला पहला ऑप्शन है यूएसए और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या उसकी वजह से हो रहा है. हमने दूसरा ऑप्शन पूछा कि जब ईबे के अंदर जो क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, क्या ये एक वजह है. हमने वहाँ पे पूछा जो न्यूज़ आ रही है कंसेंसस से, क्या ये एक वजह है. और हमने एक ऑप्शन दिया कि क्या जो एक्सचेंजेस हैं, क्या कुछ वो मैनिपुलेशन कर रही हैं. तो आपको सुन के हैरानी होगी, 23% लोगों का कहना है कि यूएस और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है. 12% लोगों का कहना है कि ईबे की वजह से हो रहा है. 25% लोगों का कहना है कि जो कंसेंसस के अंदर जो निकल के आ रहा है, न्यूज़ आ रही है बैक टू बैक, उसकी वजह से हो रहा है. और 40% लोगों का ये मानना है, ये इंपॉर्टेंट है, कि एक्सचेंजेस जो है वो मैनिपुलेशन कर रही हैं. तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देखिए, सारी जो न्यूज़ आ रही हैं बैक टू बैक, जो बिटकॉइन के प्रति जो आ रही हैं, जो क्रिप्टो से रिलेटेड जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी खबरें ठीक है. हमने अभी हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी खबरें जो कौन सी ऐसी खबर है जो हमें लगता है कि बिल्कुल ठीक है, इसकी वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और कौन सी ऐसी खबर है जो कि बिल्कुल बेसलेस है और जो कहीं ना कहीं जिसका कोई बेस नहीं निकला, और वो एक तरीके का आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ एक न्यूज़ ही बन के रह गई. जैसे कि हम बात करें ईबे की, तो ईबे की बात सुनने में आया कि ईबे जो है वो क्रिप्टो लेना एक्सेप्ट कर देगा. तो CryptoNews.com करके एक पोर्टल है, उसने ईबे की मैनेजमेंट को मेल की और वहाँ से उन्होंने कंफर्म करने की कोशिश करी कि क्या ईबे की प्लानिंग है. तो ईबे ने ये क्लेरिफिकेशन दिया है अभी उस न्यूज़ एजेंसी को, जिसका हम यहाँ पे इसके नीचे हम आपका लिंक भी डाल देंगे. ईबे का ये कहना है कि उनका कोई प्लान नहीं है फ्यूचर में क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने का, और उनका कोई प्लान नहीं है कि वो अभी क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे अपने पोर्टल पर. तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है. तो क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली अगर इस बात को क्लियर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ जो है ये बिल्कुल ही अब इस सिरे से खारिज की जा सकती है. ईबे ने ये बोला कि हमने वहाँ पे अपना स्टॉल लगा रखा था कंसेंसस के अंदर, और वहाँ पे स्टॉल की वहाँ से फोटोग्राफ को किस तरीके से लोगों ने परसीव किया, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था. उनका स्टॉल लगाने का पर्पस ये था कि ईबे के अंदर बहुत सारे ऐसे जो क्रिप्टो माइनिंग से रिलेटेड जो हार्डवेयर है वो वहाँ पे लोग लेने आते हैं, तो ईबे देखता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे स्टॉल लगाया था. वहाँ स्टॉल लगाने का मतलब ये नहीं था कि वहाँ से लोगों ने फ़ोटो खींची और लोगों ने फ़ोटो खींच के दुनिया में फैला दी कि, और यहाँ तक कि कई मेजर न्यूज़ पब्लिकेशंस थी जिन्होंने बोल दिया कि ईबे जो है वो क्रिप्टो एक्सेप्ट करने की तैयारी में है. इनफैक्ट हमने भी एक पोल चलाया था, कहीं ना कहीं हमने एक पोल चलाया, हमने कहा कि कुछ र्यूमर्स हैं मार्केट के अंदर कि ईबे जो है वो क्रिप्टो एक्सेप्ट कर सकता है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा क्रिप्टो एक्सेप्ट करेगा. तो खैर, ये ईबे के लिए कहीं ना कहीं एक डेटा है, ईबे के लिए एक इन्फॉर्मेशन. हमने यहाँ पे एक पोल चलाया तो 1170 लोगों ने पोल पे वोटिंग करी, और 70% लोगों का कहना है कि BTC ईबे एक्सेप्ट करेगा, 11% लोग LTC, 7% BNB. तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अगर फ्यूचर में कभी ईबे एक्सेप्ट करता है तो ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेगा. ईबे की खबर सुन के लोग इतना एक्साइटेड क्यों हो गए, क्योंकि 180 मिलियन उनका कस्टमर बेस है. अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में
वन ऑफ द टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगर हम इसको यूएस की बात करें, इसकी रैंकिंग तो ये अमेजोन के बाद तीसरे नंबर पे ही आता है वहाँ पे रैंकिंग में इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। अगर हम इनकी ऐप की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऐप है, ई कॉमर्स ऐप है यूएस में। इनका 31% मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ईबे की न्यूज़ ने इतनी एक्साइटमेंट पकड़ी। दूसरी हम बात करते हैं कि एक जो बहुत पॉजिटिव खबर आई, तो वो खबर आई बैक्ट की। तो बैट का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लोगों ने ये बताया कि बैट लॉन्च हो गया। एक्चुअली में हम भी बैट को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन बैट की जो बार बार ये जो उनकी जो डेट्स डिले हो रही है उसकी वजह से ये कहना कि बैट इवेंचुअली कब लॉन्च होगा ये बड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट उनका जो मीडियम का जो प्लेटफॉर्म है जो बैट का, उसमें वहाँ पर क्लियरली लिखा है, मेरे सामने सिस्टम खुला है, मैं आपको वहाँ पर बता देता हूँ कि बैट के अंदर जो है वो एक तरीके की टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं और वो जुलाई के अंदर शुरू करेंगे। तो एक उस टेस्टिंग के अंदर वो वहाँ पे कुछ लिमिटेड वे में कुछ कस्टमर्स को वहाँ अलाउ करेंगे वहाँ पे ट्रेडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड करना। अगर वो कामयाब रहा, उसके अंदर क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की जाएंगे, तो अभी वो उसको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट के तौर पर जुलाई में शुरू करेंगे एक, और उसके बाद इवेंचुअली जाके वो एक डेट डिक्लेयर करेंगे इवेंचुअली कि वो कब हो रहा है। अब उसको किस तरीके से न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ने इस तरीके से फैला दिया कि बैट में इवेंचुअली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है, हाँ वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट ये कह देना कि वो जुलाई से इवेंचुअली इसे लॉन्च कर देंगे, ये अभी कहना मुश्किल है और ये कहना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं होगी। आपको जुलाई में देखना है कि इवेंचुअली उनका प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट फेज में आ चुका है और वो कौन सी उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, क्या उसके अंदर उनको चैलेंजेस मिले, और तो ये देखने वाली बात है। इम्पॉर्टेंट बात यह कि बैट को लेकर इतनी एक्साइटमेंट क्यों है। बैट को लेकर इतनी एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि जो इनका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है ये फिजिकली बिटकॉइन से बैक्ड होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसमें तो जो नॉर्मली अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो फिजिकली बिटकॉइन से बैक्ड नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसमें दो तरीके के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक डेली बेसिस पे और एक आपका जो फ्यूचर में एक महीने के बाद कमिंग मंथ के अंदर भी जो फ्यूचर डेट में भी आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर सकते हैं। तो दो तरीके के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो क्लियरिंग हाउस है वो ICE है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज जो कि दुनिया में जिस बहुत सारी एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है, बैक भी कहीं ना कहीं ICE की ही सिस्टर सब्सिडरी है, तो ICE ही जो है ये इसका क्लियरिंग हाउस भी होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, $35 million जो है बैट अपनी जेब से यहाँ पे लोगों को एश्योरेंस देने के लिए, जो रिस्क है उनको कवर करने के लिए $35 million अपनी जेब से डाल रहा है, बैट के प्रोविजनल अकाउंट में पैसा पंपिंग कर रहा है कि अगर कल को फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिस्क होता है, कोई हैक होता है या कोई भी ऐसी परेशानी होती है जिसमें कस्टमर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट लूज हो रहा होगा या कोई परेशानी होती है या कोई हैक होता है तो उसको वो कंपनसेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब वो इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं और रेगुलेटरी जो भी एक्सचेंज होगी जहां पे ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में डीलिंग की जाएगी वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से अप्रूव्ड होंगी, रेगुलेटर से अप्रूव्ड होंगी, तो इसीलिए बैट के लिए इतनी एक्साइटमेंट है। बट ये कह देना कि जुलाई से बैट लॉन्च हो रहा है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, और ये फालतू में लोगों ने एक फंड क्रिएट कर दिया कि जुलाई से जो बैट आ रहा है। तो आपको दो खबरें बता दी कि एक बैट और एक ईबे, कहीं ना कहीं इसमें क्या है। एक्साइटिंग बात क्या है, अब जो पॉजिटिव बात यह है कि जर्मनी की जो दूसरी सबसे बड़ी एक्सचेंज है जिसका नाम है बोर्से स्टुटगार्ट, ये जो यहाँ पे अब यहाँ पे ETN लॉन्च हो गए, बेसिकली आप LTC और XRP के यहाँ पे ETN लॉन्च हो गए। तो अगर हम बात करें तो ETN होते क्या हैं, ETN बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक तो होता है ETF और एक होता है ETN। तो ETN के अंदर क्या है कि बहुत सारा पैसा ये लोगों से इकट्ठे करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उसको जो LTC का और XRP का जो इंडेक्स है, जैसे कि आप निफ्टी इंडेक्स होता है,
बैंकिंग इंडेक्स होता है, तो उसी तरीके से ये जो जितना भी पैसा इकट्ठा करके उसको बेंचमार्क कर देते हैं लाइटकॉइन के और XRP के इंडेक्स से बेंचमार्क कर देंगे, और वो एक्सचेंज ट्रेडेड नोट जिसके हाथ में होंगे उसको बाय और सेल कर सकते हैं एक्सचेंज पे। तो ये वहाँ पे जर्मनी के अंदर, अब वहाँ पे जो दूसरी सबसे बड़ी एक्सचेंज है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी एक एक्सचेंज स्वीडन में भी है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है इन्हीं की। तो वहाँ पे तो दोनों एक्सचेंजेस पे आज की डेट में आप ETNs के थ्रू लाइटकॉइन और XRP में डील कर सकते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि कन्फर्म न्यूज़ है, जो कि डेफिनेटली क्रिप्टो इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा पुश देती है। उसके बाद हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो कॉन्फ्लिक्ट हमें दिख रहा है US और चाइना का, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न बनेगा ओवरऑल जिसके ऊपर दुनिया की नज़र है। और क्रिप्टो को सबसे एक्चुअली में सबसे बड़ा, जो अगर मुझे वोट करना होता तो सबसे बड़ा जो पुश मिलेगा वो US चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मिलेगा, क्योंकि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने ऑलमोस्ट उनके जितने भी जो चाइना से जो प्रोडक्ट्स आते हैं US के अंदर, सब पे टैरिफ लागू हो गया है। जिस पे टैरिफ नहीं भी था उस पे भी 10-25% के बीच में टैरिफ लागू कर दिया है। ऐसी आज की डेट में कोई चीज़ नहीं है जो चाइना से US के अंदर जा रही है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उस पे टैरिफ ना लग रहा हो। तो चाइना ने यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने जो हुआ ही जो चाइना की जो सबसे बड़ी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स जो बनाती है, उसको वहाँ पे 5G जो प्लान कर रहा है US, उसके अंदर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बैन कर दिया गया है कि हुआ ही वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकता। यहाँ तक कि उसने अपनी एलाइज जो हैं उसको भी बोला है कि वो हुआ ही के जो हुआ ही के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट ना करें। तो इसी के मद्देनज़र चाइना ने भी US के बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल के जो फ़ोन्स हैं उन पे टैरिफ अनाउंस कर दिया है, और कोई भी ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो US से चाइना में जाएगा उस पे टैरिफ हाइक होगा ही होगा। तो डेफिनेटली जब टैरिफ हाइक होगा तो चीज़ें महंगी होंगी तो उनकी डिमांड प्राइस बढ़ेगी तो वहाँ डिमांड में फॉल आएगा ही आएगा। दूसरा, चाइना उनको क्लियरेंसेस नहीं दे रहा, जो भी एक्सपोर्ट US ने चाइना को किया उनको अपने वेयर उनको क्लियरिंग नहीं मिल रही है वहाँ पे, जो उनका जो क्लियरिंग हाउसेज है जो वहाँ से उनको क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे उनको क्लियरेंसेस नहीं मिल रही है, ऑलमोस्ट ट्रेड वॉर की सिचुएशन है। इसका नुकसान सिर्फ चाइना और US को नहीं है, इसका नुकसान पूरी दुनिया को होने वाला है, क्योंकि चाइना जो माल US को भेजता है तो जो माल चाइना बनाता है उसका वो रॉ मटेरियल वो इंडिया से लेता है, नेपाल से लेता है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और दुनिया के कई कोनों से चाइना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करता है। तो इंडिया काफ़ी सारा माल चाइना भेजता है कि वो बना के अमेरिका में भेजे। तो आप समझ सकते हैं जब चाइना की प्रोडक्शन गिरेगी तो डेफिनेटली US तो और भी दुनिया के में जो देश हैं जो चाइना को रॉ मटेरियल भेजते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको भी हैम्पर होगा, अगर वो हैम्पर होगा तो इंडस्ट्रियल आउटपुट गिरेगा, सब जगह फॉल आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो वो खरीदते थे उनमें कमी आएगी, इंडस्ट्री आउटपुट फॉल करेगा और डेफिनेटली पूरी इकोनॉमी दुनिया की रिसेशन की तरफ अग्रसर होगी। सबसे पहले इसमें US चलेगा, उसके बाद चाइना, और अगर US की इकोनॉमी हिली तो डेफिनेटली पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ेगी। मैंने आपको समराइज फॉर्म में बताया है, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली मैं आज आपको अगर रीज़न दूं कि BTC या क्रिप्टो क्यों बढ़ेगा, वो एक ही वजह से बढ़ेगा, और वो है जब वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी, वर्ल्ड इकोनॉमी में जब रिसेशन और मिसमैनेजमेंट होगी डेफिनेटली लोग क्रिप्टो की तरफ भागेंगे, सेफ हेवेंस की तरफ भागेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सबसे बड़ा रीज़न बनेगा आने वाले टाइम का। तो मुझे आपके सामने ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आने थे कि आपको ये बताना कि एक्चुअली में बिटकॉइन के अंदर इतना पंप क्यों हो रहा है और क्या ऐसी वजहें हैं। आगे भी हम ऐसी अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, फिर से मैं एक बार सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बारे में लास्ट एक मिनट ज़रूर लूँगा। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बारे में आपको लास्ट टाइम बताया था कि बाइनेंस का $41 million का हैक हुआ, जो कि उसने खट से बोल दिया कि 7000 BTC हम सबके रिकवर कर देंगे। बाइनेंस को सिर्फ 47 डेज लगने थे $41 million के लॉस को कवर करने के लिए।
वहीं आप क्रिप्टोपिया को देखो, डॉलर 15 मिलियन का लॉस हुआ, वो झेल नहीं पाए, $1.4 मिलियन का उनका सब्सक्राइबर बेस था, $15 मिलियन का न्यूजीलैंड की क्रिप्टोपिया एक्सचेंज हैक हुई। आज उस एक्सचेंज ने लिक्विडिटी के लिए फाइल कर दिया है, उनका लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, जो भी उनके एसेट्स हैं वो बिक जाएंगे और जो भी बिकेंगे उससे जो लोगों की लाइबिलिटीज है उसको पूरा किया जाएगा। $15 मिलियन का हैक नहीं झेल पाई एक्सचेंज। तो फिर हम आपको यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में सिर्फ उतना क्रिप्टो भेजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करना, जितना आप ट्रेड करना चाहते हैं, बाकी जो क्रिप्टो है अपना हार्डवेयर वॉलेट, पेपर वॉलेट या हॉट वॉलेट जो आपके अपने हैं उनमें सेव करने की कोशिश करें। इसी थॉट के साथ आप बने रहें क्रिप्टो कानून के साथ, कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और देखते रहिए क्रिप्टो कानून। थैंक यू वेरी मच।